हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी टॉवल पर एम्ब्रॉयडरी करना। तो यहाँ मैंने टॉवल लिया है, वहाँ मैंने फ्रेम लगाकर एक बॉटम में फ्लावर बनाया है। फ्लावर नहीं, या लीफ होगी या स्टेम होंगी, दो ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ मैंने ये निडल ली है, इसके मेन है ये। तो ये निडल है क्रॉस स्टिच जो करते हैं एम्ब्रॉयडरी, उसकी निडल है। हम इसी से करेंगे इस टॉवल पर। और ये एंकर का धागा है, ग्रीन कलर का है। आप चाहें तो कोई सा भी ग्रीन, बहुत सारे कलर आते हैं ग्रीन में भी। आप चाहें जो भी आपके पास हो वो ले लें, आपको जो पसंद आए वो। तो यहाँ मैंने ये ग्रीन लिया है, मेरे पास ये रखा था तो मैंने यही वायर लगाया है। हम डायरेक्टली नीचे से गांठ लगाकर धागे में ऊपर की तरफ लेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने नीचे से लिया है, और हमें ज़्यादा नहीं दिखाना, मीन्स हमें इतना भी नहीं दिखना चाहिए कि उसमें गांठ दिखे नीचे। बिल्कुल बीच से आना है धागा, और जब धागा ऊपर खींच जाए इस तरह से पूरा आ जाए, तब हमें धागे को एक साइड में करके इसमें, और जहाँ से धागा हमने लिया है उसी के पास, मतलब उसी होल में नहीं, उसी के पास वाले जगह पर बिल्कुल पास में हमें नीचे की तरफ ले जानी है ये निडल इस तरह से। और अब इन दोनों धागों के बीच से हमें निडल निकालनी है, बट थोड़ा सा स्पेस देकर, थोड़ा सा स्पेस देकर इस तरह से। यहाँ पर और हल्के हाथ से हमें ऊपर की तरफ खींचना है ये इस तरह से। तो ये बन जाने पर अब मैं पूरे जो स्टेम है ना इसके सारे, वो इसी तरह से बनाऊंगी। बट आप एक समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं कोशिश करती हूँ, मतलब ठीक से समझा पा रही हूँ आपको या नहीं, ठीक से दिखा पा रही हूँ या नहीं। बट जिस होल से अभी हमने निकाला है उसी होल में हम दोबारा, मतलब उस होल में नहीं, उसी के पास वाले होल में हम डालेंगे नीचे, और दोनों धागों के बीच से हम निकालेंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। अब सेम इसी तरह बनाते जाएंगे, बहुत इजी है ये बनाना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें धागे को धागे के बीच से लेना है, इधर से या उधर से नहीं लेना है। बस धागे को धागे के बीच से लेना है, जहाँ से हम एक बार निडल डालते हैं वहीं से निकालनी है। और जब दोबारा डालनी है दोनों धागे सेम होंगे, और आगे की तरफ से निकालनी होती है वो भी दोनों धागों के बीच से। बस इसी तरह से हम पूरे स्टेम बना लेंगे। और मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।